हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 बाई 50 फुट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के प्लान है और काफ़ी अलग तरीके से इसे बनाया गया है। एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ दोस्तों आपको। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या मिलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलने वाला है डबल कार पार्किंग, एक मास्टर बेडरूम, एक गेस्ट बेडरूम, एक काफ़ी बड़े साइज का किचन जिसमें आप पेंट्री को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक स्टेयर केस, एक कॉमन अटैच टॉयलेट, लिविंग डाइनिंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस फ्रंट में, रियर में और साइड में ओपन स्पेस मिलता है। इसी तरह से दोस्तों आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलता है एक मास्टर बेडरूम, एक टॉयलेट, सिटआउट के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस, ओपन टेरेस और स्टेयर केस। दोस्तों ये प्लान बहुत अच्छा है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइट। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने प्लानिंग है 30 बाई 50 फुट में है। खास बात दोस्तों इसमें यही है कि इसमें डबल कार पार्किंग का स्पेस मिल रहा है आपको और 2 रूम्स मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ से अंदर आते हैं, मेन गेट है 13.5 फुट वाइड, इसमें कार पार्किंग का स्पेस दिया है 13.5 बाई 16 फुट वाइड ये स्पेस है। 2 कार यहाँ पर इजीली पार्क हो सकती हैं। फ्रंट में 2.5 फुट एक गैलरी छोड़ी गई है, 2.5 फुट छोड़ के पीछे से इसको बनाया गया है। यहीं पर एक मास्टर बेडरूम है 12 बाई 13.5 फुट का है। देख सकते हैं जैसे साउथ फेसिंग ये प्लान है तो वास्तु को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। यहाँ पर मास्टर बेडरूम है, दोनों साइड में विंडो लगाई गई है। साइड में 2.5 फुट ओपन एक पैसेज छोड़ा गया है, फ्रंट में भी 2.5 फुट छोड़ा गया है, तो इसकी विंडो दोनों साइड लगाई गई हैं। इसमें 2 एंट्री दी गई है दोस्तों, एक एंट्री बाहर से है आपको पार्किंग की तरफ से, एक एंट्री मिलती है यहाँ पे और एक एंट्री आपको मिलती है लिविंग एरिया से। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है। वार्डरोब आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। दोस्तों मेन एंट्री यहाँ पर है, T0 है, देख सकते हैं। यहाँ से अंदर आते हैं, यहीं पर एक स्टेयरकेस दिया गया है, यहाँ पर अप लिखा है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, 6.5 फुट वाइड ये स्पेस मिलता है, तो 3 फुट का स्टेयर केस है, 3.5 फुट का पैसेज मिलता है। इसकी एक एंट्री यहाँ से भी दी गई है, अगर यहाँ से आना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ओपन स्पेस में जाने के लिए यहाँ से एक डोर दिया गया है। लिविंग एरिया में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट है, 7 बाई 4 फुट का कॉमन टॉयलेट दिया गया है। एंट्री इधर से है और इसके वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर साइड ओपन में लगाया गया है। दोस्तों लिविंग एरिया की तरफ देखते हैं, 11.5 बाई 18.5 फुट का काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे एक लिविंग एरिया मिल रहा है। देख सकते हैं साइड में एक डाइनिंग टेबल लगा है, उसके बाद में सिट आउट के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। टीवी कंसोल लगाने के लिए काफ़ी सारी जगह मिलती है आपको, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अदरवाइज ये क्लीन वॉल है तो यहाँ पर भी टीवी कंसोल आप लगा सकते हैं। सोफा वगैरह लगाने के बाद भी, सिटिंग के बाद भी कितना सारा स्पेस मिल रहा है आपको वॉकिंग के लिए, इधर आ जाने के लिए तो काफ़ी सारा स्पेस मिलता है। यहीं पर एक किचन है 11 बाई 11 फुट की, काफ़ी बड़े साइज़ की किचन मिल रही है। आप देख सकते हैं सिंक वगैरह लगाने के बाद या चूल्हा वगैरह लगाने के बाद कितना सारा स्पेस मिल रहा है। आप एक साइड में फ्रिज भी इजीली लगा सकते हैं और यूटिलिटी के लिए काफ़ी सारा सामान भी आप इसमें रख सकते हैं किचन में, तो काफ़ी बड़े साइज़ का किचन मिल रहा है। किचन की विंडो साइड में जो 3 फुट ओपन दिया गया है, यहाँ पर इसकी विंडो लगाई गई है। आप चाहें तो एक विंडो यहाँ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज चिमनी का यूज़ कर सकते हैं गैस को बाहर निकालने के लिए। बाकी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, अगर आप चिमनी नहीं भी लगाते हैं तो कोई खास उमस नहीं होने वाली है, क्योंकि एक सीलिंग फ़ैन लगता है किचन में। तो दोस्तों वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, क्रॉस वेंटिलेशन है, चारों तरफ से ओपन स्पेस मिल रहा है इस प्लान में। आगे आते हैं, एक गेस्ट बेडरूम है यहाँ पर, 11 बाई 10 फुट का ये बेडरूम है। किचन इसलिए बड़ा रखा गया है, गेस्ट बेडरूम को छोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें खास से उसका यूज़ होने वाला नहीं है। आप नॉर्मल बेडरूम भी इसको बना सकते हैं, तो 11 बाई 10 का एक बेडरूम है जिसमें बेड डालने के बाद भी सफिशेंट स्पेस है। और इसके साथ एक ड्रेस और टॉयलेट को भी अटैच किया गया है। किचन का दोस्तों यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए किचन को बड़ा रखा गया है यहाँ पर। गेस्ट बेडरूम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रेस है और यहीं पर टॉयलेट दिया गया है, 7 बाई 5 फुट का काफ़ी अच्छे साइज का टॉयलेट मिल रहा है। टॉयलेट सीट लगाने के बाद आप शावर वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। इतने बड़े साइज़ में आप दोस्तों शावर कैबिनेट सेपरेट भी कर सकते हैं, टॉयलेट सीट लगा सकते हैं, वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं। तो ड्रेस यहाँ पर है, यहाँ पर आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं। रियर में 4 फुट ओपन दिया गया है, उस 4 फुट ओपन में जाने के लिए यहीं से एक डोर दिया गया है, बेडरूम से नहीं दिया गया है। दोस्तों बेडरूम में यहाँ पर एक विंडो लगाई गई है पीछे रियर की साइड, आप चाहें तो यहाँ पर 3 फुट वाइड एक ओपन स्पेस है राइट साइड में आपकी, यहाँ पर भी विंडो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान, विंडोज हर जगह लगाई गई हैं। लिविंग एरिया में देख सकते हैं 2 2 विंडो लगाई गई हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन है और वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है इस प्लान को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको पसंद आया होगा। बट फर्स्ट फ्लोर का प्लान डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया नया प्लान जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आइए दोस्तों फर्स्ट फ्लोर को डिस्कस करते हैं।
ये आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही मास्टर बेडरूम दिया गया है। एक टॉयलेट को कॉमन दिया गया है कि अगर बाहर से कभी यूज़ करना हो तो इसको बाहर से यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इस टॉयलेट को मास्टर बेडरूम से अटैच भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे यहाँ पर, ये डाउन लिखा है, यहाँ से जा रहे हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर। पीछे सारी टेरेस को ओपन दिया गया है, कपड़े सुखाने वगैरह के लिए आप काफ़ी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 फुट यहाँ पर एक प्रोजेक्शन निकाला गया है, एक छज्जा रहेगा, इतना ऐसा कवर्ड है आपका, पीछे का सारा ओपन है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे नीचे डबल कार पार्किंग का स्पेस था उतनी साइज़ का हमने यहाँ पर एक सिट आउट दिया है। अगर आप सिट आउट थोड़ा कम चाहते हैं और बालकनी भी चाहते हैं अच्छे से, तो यहाँ से आप दीवार चला के इसको एक स्टडी रूम बना सकते हैं और इसके सामने ये थ्रू आउट आपको बालकनी मिल जाएगी सारी, तो तब भी सफिशेंट साइज़ की आपको बालकनी मिलती है। बट इन केस अगर कुछ फैंसी से चाहते हैं तो उसको सारा को ओपन रख दीजिए, सीटिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। प्लांटेशन वगैरह भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, झूला वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल रहे थे 2 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है 1 बेडरूम। अगर पीछे का टेरेस ओपन रखते हैं तो 1 बेडरूम मिलता है आपको, अदरवाइज जैसा नीचे है उसी तरह से आप ऊपर वाला फ्लोर भी बना सकते हैं, क्योंकि किचन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम बना सकते हैं लिविंग एरिया के साथ, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। तो दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट में काफ़ी अच्छा प्लान है ये, और वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपर मिल रहा है इसमें, तो एक लग्जरी टाइप का एक विला आप यहाँ पर इसमें बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। बट इन केस अगर आपके प्लॉट का साइज़ डिफरेंट है या सेम साइज़ में आप कुछ डिफरेंट तरह के प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हम आपके लिए एक बेहतरीन हाउस प्लान बनाकर लाएंगे। और दोस्तों ये प्लान आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को चेक भी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हाउस प्लान नाम की प्लेलिस्ट हैं काफ़ी सारी, आपके काफ़ी सारे काम की चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमने प्लानिंग अपलोड की है, तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ अलग तरीके से प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों प्लान आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।